हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल के एंड एम एजुकेटर्स क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है आपका ओल्ड बुक में, जो आपकी एक्सरसाइज 8.4 है। क्वेश्चन 5 के और क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। मगर ये आपका ओल्ड बुक में है, न्यू बुक में आपकी ये एक्सरसाइज 8.3 है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे लास्ट में दे रखे हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में, ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से कम एक या दो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, तो इसलिए इन 10 क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, किस तरह हम किस इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका कि हमें कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या दे रखा है यहाँ पर, ये स्क्वायर है, ठीक है। होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या लेके आना है, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इस सभी क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ तीन आइडेंटिटी बता दे रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1। दूसरी आइडेंटिटी हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन 10 क्वेश्चन में इन आइडेंटिटी का यूज होगा ज्यादातर, ठीक है। तो हम पहला सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोसेक इसको हम ले लेते हैं, ये हमारा होता है राइट हैंड साइड, ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो हम और ज्यादातर क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उससे राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं, ठीक है। हमने ले लेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड में। अब ज्यादातर आप कोशिश करिए, जब भी आपको इस तरह की टर्म दिखती है कोसेक कॉट टेन सेक, सबको साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करिए। तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि जो आपका कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, याद रखना है आपको। इसी तरह से कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है और टेन थीटा कॉट थीटा का होता है। तो कोसेक थीटा को हम लिखे 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा की आइडेंटिटी होती है क्या होती है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। टेन थीटा की होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा की होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका भी क्या लग रहा है हमारा, होल स्क्वायर, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एलसीएम तो साइन थीटा ही आएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका क्या लगा देंगे हम, होल स्क्वायर। अब हमारा 1 माइनस साइन कॉस थीटा है तो दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर नीचे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये ऐसी रहे, इसको हम डबल वाला लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार मल्टीप्लाई। अब साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये हमारी जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहीं से हमारी निकल कर आई है ये वाली, क्लियर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या है, 1 का स्क्वायर ही तो है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा ही है, और इसको खोल देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी से, तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल कर देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारा क्या है, आर एच एस, क्लियर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से हमें सोचना है कि हमारा कहीं ना कहीं से राइट हैंड साइड आ जाए, ठीक है। हमें इस तरह से अपनी आइडेंटिटी को फिट करना पड़ता है जिससे हमारा जो राइट हैंड साइड साथ में चल रहा है वो हमारा जरूर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई सी भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, अपने राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी को फिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट है कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए
और कॉस ए। ठीक है, हमने इसका क्या ले लिया, इसका भी हमने ले लिया एल एच एस ले लिया। ठीक है, और आर एच एस लेके आएंगे। वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कैंसिल, कॉस ए का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। इसी तरीके से कॉस ए कैंसिल, तो क्या हो जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, इसको खोल देंगे, कॉस स्क्वायर है, वन प्लस साइन ए का स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर वन का स्क्वायर वन, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए, और नीचे का चल रहा है हमारा वन प्लस साइन ए और ब्रैकेट में कॉस ए। क्लियर, अब बताइए आप कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए क्या होता है, हमारा वन होता है। हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, वन प्लस वन तो है ये पहले से ही, और टू साइन ए, नीचे का चल रहा है हमारा वन प्लस साइन ए और कॉस ए। हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज करी वो हमें लिख लेते हैं, हम कौन सी यूज करी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन हमने यूज करी। अब देखिए वन और वन कितने हो गए टू, तो टू प्लस टू साइन ए, नीचे क्या है वन प्लस साइन ए और ब्रैकेट में कॉस ए। तो आप ऊपर से टू कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा वन प्लस साइन ए, नीचे क्या है हमारा वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कितनी बार, वन बार कैंसिल हो गया, तो टू मल्टीप्लाई वन अपॉन कॉस ए। तो वन अपॉन कॉस ए क्या होता है हमारा सेक ए, तो टू सेक ए, यही हमारा क्या हो गया आर एच एस। क्लियर, समझ में आ गई आपको। तो ये था हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था, कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपके समझ में आ गए होगा अच्छे से, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। एक बार वो देखिए, आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है एक बार आप देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। इसका क्या ले लेंगे, एल एच एस, क्या ले लेंगे एल एच एस। ठीक है, हमारा जो इसका एल एच एस है क्या है, टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। क्लियर, ये हमारा क्या है एल एच एस है। ठीक है, इसे हमें लाना है इक्वल में वन प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा लेके आना है। क्लियर, तो सॉल्व करते हैं इसे भी बहुत अच्छी तरीके से। तो मैंने आपको बताया है जब भी कोई भी आइडेंटिटी हो उसको किस में चेंज कर लो, साइन और कॉस में, किस में चेंज कर लो साइन और कॉस में। तो इससे क्वेश्चन क्या हो जाता है, सिंपल भी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो इसी को भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे साइन और कॉस में। तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वन माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बीच में क्या है प्लस, बीच में क्या है आपका प्लस। ठीक है, अब हमारा कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वन माइनस टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम वन आ जाएगा नीचे, तो साइन थीटा इधर चला जाएगा, तो साइन थीटा माइनस वन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी रफ कर लेते हैं इसे, क्या आ जाएगा आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ भी जो आ जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले से बीच का आपस में, तो क्या हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे ब्रैकेट में आएगा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, ब्रैकेट बंद, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए अब आप देख सकते हैं इसको एलसीएम लेना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इस ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हमारा हो जाएगा इश्यू
एलसीएम लेने के लिए, पर हम क्या कर सकते हैं इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लेंगे जब हम, तो ये भी आइडेंटिटी हमारी साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये चीज करेंगे इसमें, रफ करता हूं मैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या करेंगे हम, ना एल माइनस बाहर ले लेंगे, तो हमारा ये तो ऊपर ही रहेगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बाहर माइनस आ जाएगा इसकी जगह, तो कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे चल रहा है हमारा साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हमने प्लस की जगह कर दिया माइनस। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और जो ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको क्या हो जाएगा, साइन कॉस थीटा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा ओनली साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ बचेगा कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है हमारा ए माइनस बी, ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे ब्रैकेट में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गए हमारे, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सबको अलग अलग लिख सकते हैं। अब हम वन के नीचे साइन थीटा अपन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपन कॉस थीटा नीचे भी वन लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से थोड़ा रफ करते हैं, समझते हैं इस चीज को। तो मैं राइट हैंड साइड में सेक और कोसेक लेके आना, तो उसके लिए हमें ये सब करना पड़ेगा, क्या करेंगे हम इसमें, इसको रफ करते हैं, ये कुछ भी नहीं है हमारा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, वन के साथ साइन थीटा अलग लिखेंगे, ठीक है, वन के साथ कॉस थीटा अलग लिखेंगे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे भी क्या लिख लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा वन बार, वन अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्लियर, क्योंकि वन अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा हो गया, वन अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा हो गया, तो यही हो गया हमारी आर एच एस। तो हमें आर एच एस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है पूरे क्वेश्चन में, तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता, हम क्या करते हैं आर एच एस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, देखते हैं थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्या हमारा वन प्लस सेके अपॉन सेके, वन प्लस सेके अपॉन सेके, इज इक्वल टू ये आपका साइन स्क्वायर ए है अपॉन वन माइनस कॉस ए है, तो इसको हम दोनों साइड से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, पहले हम एल एच एस ले लेते हैं, वन प्लस सेके अपॉन सेके, सेके को क्या लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस ए, और ये भी क्या आ जाएगा वन अपॉन कॉस ए, तो यहाँ आ जाएगा आपका कॉस ए प्लस वन अपॉन कॉस ए और वन अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो क्या आएगा कॉस ए प्लस वन, इसको सॉल्व करने के बाद आर एच एस को सॉल्व करने के बाद आया कॉस ए प्लस वन, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे आर एच एस को। ये क्या आर एच एस हमारा साइन स्क्वायर है वन माइनस कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए क्या होता है जानते ही आप, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे ब्रैकेट में वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वन प्लस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में वन माइनस कॉस ए, अब नीचे आएगा वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए तो वन माइनस कॉस ए कैंसिल, तो क्या बचेगा कॉस ए प्लस वन, तो हमारा ये भी सिंपल है आर एच एस इज इक्वल टू हो जाएगा एल एच एस। आई होप आपके अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन, दोनों को लेकर चलना है साथ में, ठीक है।
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए माइनस वन इज इक्वल टू कोस ए के प्लस कॉट ए। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, एल एच एस तो ले लेंगे हम, ठीक है, इसकी भी ले लेंगे, एल एच एस ले लेंगे। एल एच एस लेने के बाद सभी में साइन ए का डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, साइन ए से डिवाइड कर देंगे पूरी टर्म में। एल एच एस ले लीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए माइनस वन। क्या करें हम, साइन ए का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्या कर देंगे, साइन ए का डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, जब हम साइन ए का डिवाइड करेंगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन वन अपॉन साइन ए, ऐसे नीचे दे देंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए। क्योंकि हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें ना आइडेंटिटी साइकल क्वार्टर को सेकंड टर्म में लानी है, वो तभी आएगी जब हम डिवाइड करेंगे। कॉस ए और साइन ए क्या होता है, कॉट ए माइनस साइन ए कैंसिल वन हो गया ये, और ये हो गया कोसेक ए, ऐसे नीचे हो जाएगा कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। अब हम क्या करेंगे, इसमें कोसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है कॉट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, उसको हम यूज करेंगे इस वन की जगह पे, ठीक है, इसलिए हम कॉट ए प्लस कोसेक ए को ऐसे लिख लेते हैं। तो हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, माइनस वन की जगह आ जाएगा हमारा वो आइडेंटिटी आ जाएगी, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्या आ जाएगी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे जो चल रहा है सेम ऐसे रहने देंगे इसे, कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। अब क्या करेंगे, यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को खोल देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक ए प्लस कॉस ए कोसेक ए माइनस कॉट ए, इसको हम कोसेक ए प्लस कॉट ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इस आइडेंटिटी खोलेंगे, माइनस तो आई है पहले से, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए, जो नीचे चल रहा है उसको ऐसे रहने देंगे, कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा रफ करेंगे इसे। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पूरे ऊपर में कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा जी, कॉमन आ जाएगा, जब ऊपर से कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, तो क्या बचेगा, वन माइनस ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए सॉरी कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, उसके बाद नीचे जो चल रहा है हमारा उसको ऐसे रहने देंगे, कॉट ए
प्लस वन माइनस कोसेक ए। अब आप देखिए इसको वन बाहर माइनस से खोल देंगे इसे, तो खोलेंगे इसमें से तो वन माइनस क्या हो जाएगा कोसेक ए, तो और ये प्लस के क्या हो जाएंगे कॉट ए। ठीक है, अब हमारा यहाँ से कोसेक ए प्लस कॉट ए तो आ ही गया, और ये भी इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो जाएगा इससे कैंसिल आउट, तो हमारा क्या बचेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमारी क्या आर एच, कोसेक ए प्लस कॉट ए यही क्या है हमारी आर एच है। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने।